ये सभी मानते हैं। मार्केटिंग के बुक्स में भी इंश्योरेंस को हमेशा अनसॉल्ड प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जाता है, जो कोई लेना नहीं चाहता है उसको देना पड़ता है, जिसको पुश प्रोडक्ट बोलते हैं। कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर 100 पॉलिसियां बिकती हैं तो 5 साल बाद केवल 53 या 54% पॉलिसियां ही चलती हैं, यानी ऑलमोस्ट 50% पॉलिसी फर्स्ट 5 ईयर में बंद हो जाती है। हर इंश्योरेंस कंपनी इसके बारे में सोचना चाहिए, और कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी और लॉन्ग रन, ये 3 चीजें चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या चाहे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है, जिसके वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हड़कंप आ सकता है। देखिए, आज से कई साल पहले लाइफ इंश्योरेंस के प्लान बहुत ज्यादा बिकते थे, जब म्यूचुअल फंड के प्लान नवे आए थे या नहीं आए थे, लाइफ इंश्योरेंस के प्लान ही लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू लिया करते थे। लेकिन फिर जब म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों ने इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि म्यूचुअल फंड के अंदर चार्जेस बहुत कम थे और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ये वजह थी कि लोगों ने म्यूचुअल फंड प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू किया और लाइफ इंश्योरेंस प्लान में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया। अब कैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नया प्लान म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हड़कंप ला सकता है और कैसे लोग जो है फिर से इंश्योरेंस कंपनी की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए अपना झुकाव बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर मनोज पांडे जी, जो कि बिमटेक इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर है। मनोज जी, मैं आपका बीआईटीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू रंजीत जी, नमस्कार। नमस्कार। सो मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो नया प्लान आया है, क्या ये प्लान है, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी देंगे? इस प्लान की जानकारी के पहले शायद ये जरूरी होगा कि हम ये समझें कि ये प्लान लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ओके। इंश्योरेंस बेचना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ये सभी जानते हैं। हमारे में जो श्रोतागण है वो एडवाइजरी रोल में ही ज्यादा लोग इस आपके चैनल से जुड़े हुए हैं। बेचना मुश्किल होता है, जब हम 10 लोगों से बात करते हैं तब जाकर के कभी 2 महीना बाद 3 महीना बाद एक पॉलिसी बिक पाती है। ये सभी मानते हैं, मार्केटिंग के बुक्स में भी इंश्योरेंस को हमेशा अनसॉल्ड प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जाता है, जो कोई लेना नहीं चाहता है उसको देना पड़ता है, जिसको पुश प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें कहीं दो राय नहीं, और इसके कारण ट्रेडिशनली जो कमीशन स्ट्रक्चर रहा है इंश्योरेंस प्रोडक्ट में वो फ्रंट लोडेड रहा। फ्रंट लोडेड का मतलब होता है कि शुरू के सालों में ज्यादा कमीशन और बाद में तीसरे साल के बाद फ्लैट कमीशन। जैसे इंडोमेंट प्लान अगर 15-20 साल का हो तो उसमें पहले साल का कमीशन 25% अलाउड है और बोनस कमीशन लेकर के वो प्रैक्टिकली कम से कम एलआईसी सेटअप में वो 40% हो जाता है। सेकेंड थर्ड ईयर 7.5-7.5 और बाद में 5% ऑनवर्ड, यानी कमीशन की लोडिंग शुरू के सालों में ज्यादा होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अभिकर्ता को उसमें ज्यादा खर्च देना, टाइम देना पड़ता है। कोई गलत नहीं है, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं। अब इंश्योरेंस का अवेयरनेस बढ़ा है, लोग अब खुद से जाकर के पॉलिसी खरीदने लगे हैं, और इस फ्रंट लोडेड कमीशन स्ट्रक्चर का एक निगेटिव पहलू है जो कि बहुत ही चिंतनीय है, वो होता है मिस सेलिंग। ऐसा आरोप है, और आरोप कोई विदाउट सब्सटेंस नहीं है, डाटा है, कंप्लेंट के नंबर्स हैं, कि ये सजेस्ट करता है कि कुछ अभिकर्ता जो टायर्ड एजेंसी वाले हैं, वो तो चलिए वो तो रिलेशनशिप पे बेचते हैं तो वहां इसकी संभावना कम होती है, क्योंकि वो कस्टमर के साथ उनके पर्सनल रिलेशन होते हैं। लेकिन जो पॉलिसियां बैंका इंश्योरेंस चैनल से बिक रही हैं और प्राइवेट सेक्टर में बैंका इंश्योरेंस 55% कंट्रीब्यूट करता है, वहां इसकी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि वहां रिलेशनशिप मैनेजर हर साल हर बार बदल जाता है। वो किसी पुराने कस्टमर को बिना नीड एनालिसिस किए हुए एक नई पॉलिसी बेचता है और 2 साल बाद नया वाला रिलेशनशिप मैनेजर कहता है कि वो तो बेकार पॉलिसी थी, आप ये पॉलिसी छोड़िए और एक नई पॉलिसी ले लीजिए। इसको टेक्निकल भाषा में चर्निंग आउट कहते हैं, यानी पुरानी पॉलिसी। अभी भी हमारे दर्शक क्वेश्चन मार्क में है कि हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्लान ने क्या प्लान लाया है और ये क्या प्लान है, तब हम कनेक्ट हो जाएंगे ऑडियंस हमारे साथ। मैं बैकग्राउंड बता दूंगा तो समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आखिर ये आया क्यों। ओके ओके, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ।
तो क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है और स्थिति इतनी बुरी है कि अभी IRDAI ने एक कमेटी का गठन किया है ये मिस सेलिंग के को स्टडी करने के लिए। और उसमें एक जो सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि कमीशन शुरू के सालों में ज्यादा होता है, इसलिए एजेंट 3 साल बाद बोलते हैं कि फिर से दूसरी पॉलिसी आप खरीद। ये आरोप है, इसमें कुछ सब्सटेंस भी है। अब इसको बंद कैसे किया जाए, तो एक तरीका ये है कि आप फ्रंट में शुरू में कमीशन ज्यादा नहीं दे करके आप कमीशन स्ट्रक्चर को हमेशा पैरेलल रखिए, 5% कमीशन पहले साल में भी और 25वें साल में भी, तो शायद इसकी एक उपाय निकल सकता है, ये सोचना है। अब ये जो ICICI प्रूडेंशियल ने जो पॉलिसी लाई है, जो कि मेरा मानना है कि जो हिंदी में हम बोलते हैं आमूल परिवर्तन या इंग्लिश में पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं, ये बिल्कुल ही एक नया कंसेप्ट लाया है। इन्होंने शुरुआत की है यूलिप पॉलिसी से। यूलिप में भी फर्स्ट ईयर में 15% कमीशन और बाद में 3% के आसपास शायद होता है, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको ठीक उल्टा कर दिया है। कमीशन हमेशा प्रीमियम का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, इन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया और इन्होंने ये कहा है कि हम प्रीमियम का परसेंटेज कमीशन नहीं देंगे बल्कि कस्टमर का जो फंड वैल्यू होगा। फंड वैल्यू क्या होता है, मैं थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे दूं कि मानिए आपने 1 लाख प्रीमियम दिया है, उस 1 लाख प्रीमियम में से आपका मोर्टिलिटी चार्जेस कटेगा, पहले आपका कमीशन रेट कटेगा, आपका ऑफिस एक्सपेंसेस कटेगा और जो पैसा बचेगा वही मार्केट में इन्वेस्ट होता है, वही आपका फंड वैल्यू होता है। इनका ये कहना है कि हम अब कमीशन आपको, अब परसेंटेज कितना ये अभी नहीं मालूम है, किसी भी न्यूज आइटम में नहीं आया है, बट दैट विल बी ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर फंड वैल्यू, यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है, ना कि आपने कितना प्रीमियम दिया है। अच्छी बात यह है कि रेगुलर पॉलिसी में क्या होगा कि हर साल नया प्रीमियम आएगा और फंड वैल्यू हर साल बढ़ता जाएगा, यानी इस स्ट्रक्चर में जो अभिकर्ता का जो कमीशन होगा वो पहले की तरह ज्यादा पहले और बाद में कम नहीं होगा, रेदर शुरू में कम होगा और बाद में समय के साथ बढ़ता जाएगा, जिस तरह से म्यूचुअल फंड में ट्रेलिंग कमीशन वाली बात होती है। इससे उम्मीद ये की जाती है कि अब अभिकर्ता का जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ लोगों का जो गलत काम करते हैं, वो इसमें नहीं रहेगा कि हम पॉलिसी को 3 साल चलाने के बाद बंद करवा दें, सरेंडर करवा दें और नई पॉलिसी बेच दें, बल्कि उनका इंटरेस्ट इसमें रहेगा कि मेरी पुरानी पॉलिसी जितने लंबे समय तक चलती रहे ताकि मेरा कमीशन स्ट्रक्चर समय के साथ बढ़ता रहे। तो दोनों में अंतर है और अगर यह कंसेप्ट क्लिक किया मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मेरा ये मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं लैप्सेशन या परसिस्टेंसी, उसका उल्टा वर्ड होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा रामजीत जी, ये डाटा है, IRDAI डाटा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर 100 पॉलिसियां बिकती हैं तो 5 साल बाद केवल 53% या 54% पॉलिसियां ही चलती हैं, यानी ऑलमोस्ट 50% पॉलिसी फर्स्ट 5 ईयर में बंद हो जाती है। और ये बंद होने में सबसे बड़ा लॉस जो किसी का होता है वो होता है कस्टमर। एजेंट को तो अपना कमीशन मिल जाता है, इंश्योरेंस कंपनियों के रिलेटिव भी कभी फायदा भी हो जाता है, पुअर कस्टमर को ही लॉस होता है। इस स्कीम में पॉलिसी चलाने में कस्टमर की भी भलाई है और एजेंट की तो और ज्यादा भलाई है, तो एजेंट ये कोशिश करेगा कि उसकी बेची हुई पॉलिसी चलती रहे, और इसलिए मेरा मानना है यह एक बहुत अच्छी पहल है। सो मुझे ये दिख रहा है पांडे जी कि अब जो म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस का जो तरीका है, एक्सपेंस लेने का जो तरीका है, और यूलिप प्लान का, इंश्योरेंस कंपनी के यूलिप प्लान का एक्सपेंस लेने का जो तरीका है, वो दोनों सेम हो जाएगा, कोई भिन्नता नहीं दोनों में। देखिए हकीकत है कि जब हम किसी भी लेमैन आदमी को समझाते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है यूलिप पॉलिसी में और म्यूचुअल फंड में, तो मेरे जैसे आदमी समझाने के लिए यही कहता है कि यूलिप पॉलिसी इज नथिंग बट म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस, होता भी यही ही है। अब रही बात की, अंतर तो हमेशा रहेगा, चूंकि यूलिप प्लान में वो जो रिस्क कवरेज वाला एस्पेक्ट है जहाँ की आपका एक मोर्टिलिटी चार्जेज लगता है और वो हर साल आपके प्रीमियम से डिडक्ट होता है, वो तो हमेशा रहेगा। तो अगर एग्जैक्टली रेप्लिकेट भी किया जाए इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन, तो यूलिप में बिकॉज ऑफ डिडक्शन ऑफ मोर्टिलिटी चार्जेज इन्वेस्टमेंट कम होगा और लॉन्ग रन में पैसा जो होगा वो थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं और ये जो गैप था पहले लाइफ इंश्योरेंस की यूलिप पॉलिसी में और म्यूचुअल फंड में, वो समय के साथ घटता जाएगा, मेरा भी ये मानना है।
केवल ये मोर्टिलिटी, और ये अच्छी बात है, मतलब वो कोई गलत चीज नहीं है, मोर्टिलिटी आपको एक रिस्क कवरेज देता है, करेक्ट करेक्ट, मरने के केस में, डेथ के केस में लमसम अमाउंट देता है। मे बी गोइंग फॉरवर्ड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि समय के साथ आने वाले समय में यूलिप बिकम्स मच मोर अट्रैक्टिव फॉर द पर्सन हु आर लुकिंग फॉर कवरेज ऑल्सो एंड मे बी इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड और टर्म प्लान अगर कोई अलग अलग लेते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। पहले पांडे जी, पहले ऐसा था, ये जो प्लान है इसके आने से पहले ऐसा था कि यूलिप और म्यूचुअल फंड को अगर कंपेयर किया जाए तो म्यूचुअल फंड हीरो नजर आता था, यूलिप विलन नजर आता था, और वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि यूलिप के चार्जेस बहुत ज्यादा है, और अब अगर उसके चार्जेस जो है वो म्यूचुअल फंड के समान हो जाएंगे और उसके अंदर इंश्योरेंस का भी कंपोनेंट है तो यूलिप तो हीरो बन जाएगा। देखिए यूलिप पे चार्जेस ज्यादा नहीं है, यूलिप में मैक्सिमम जो फंड मैनेजमेंट चार्ज अलाउड है वो केवल 1.35% है, जबकि म्यूचुअल फंड में 2.5% तक अलाउड है। आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि यूलिप बिकना बंद हो गया, उसकी सच्चाई ये है कि 2011-12 में जब यूलिप पॉलिसी और म्यूचुअल फंड सेबी के पास वो मामला गया था, सेबी वर्सेज IRDAI का जो केस हुआ था, उसके बाद यूलिप पॉलिसी में कमीशन को कम कर दिया गया था, रेशनलाइज किया गया था। इसके कारण अभिकर्ता एडवाइजर लोगों ने यूलिप पॉलिसी बेचना बंद किया, क्योंकि उनके लिए इंडोमेंट प्लान बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल था कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आरोप है मिस सेलिंग का वो उसमें कुछ सब्सटेंस है। यूलिप पॉलिसी तब भी अच्छी थी, बाद में भी अच्छी थी, लेकिन बिकना इसलिए बंद हो गया क्योंकि उसमें कमीशन रेट घट गया। अब ये तो बिल्कुल ही नया तरीका है, अगर इसको अभिकर्ता लोग एक्सेप्ट करें अपने लॉन्ग टर्म हितों को ध्यान में रखते हुए, तो बट नेचुरल है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। मैं इस डिसीजन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने आउट ऑफ बॉक्स इनोवेटिव एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। एक और बहुत बढ़िया चीज यूलिप प्लान को ये बेनिफिट होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर कोई व्यक्ति इक्विटी स्कीम से डेट स्कीम में शिफ्ट करता है, स्विच करता है, तो उसको चार्जेस देनी पड़ती है। वेरेज यूलिप प्लान में अगर इक्विटी से डेट में अगर शिफ्ट करना है तो कोई भी चार्जेस नहीं है, तो ये भी जो चीज है, 4-5 चार्जेस हमेशा फ्री रहते हैं, एक सर्टेन लेवल के अभी कुछ चार्ज लगता है, ये साल में 4 या 5 स्विच बहुत होता है भाई। करेक्ट करेक्ट, कभी ऐसा होगा 2007 का जो सिचुएशन आया, कभी ऐसा 4-5 साल में ऐसा सिचुएशन होता है कि जो है वो यू नो इक्विटी से डेट में पैसे को ट्रांसफर करने की नौबत आती है, तो ये तो मतलब जितने भी इसमें स्विचिंग फ्री है वो तो बहुत है। यूलिप पॉलिसी पहले भी अच्छा था, पहले थोड़ा कमीशन ज्यादा था इसलिए कस्टमर के लिए लॉस मेकिंग था। हकीकत है कि 2013 के बाद जो कमीशन स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया गया, लॉन्ग रन में ये प्रूफ है, लॉन्ग रन में मैं कह रहा हूँ, 4-5 साल वाली बात यूलिप में नहीं करनी चाहिए। अगर आप 15-20 साल के लॉन्ग रन को देखेंगे म्यूचुअल फंड के एट पार तो यूलिप होगा ही होगा विद एडेड बेनिफिट ऑफ रिस्क कवरेज, क्योंकि इसमें अगेन मैं कह रहा हूँ वहां फंड मैनेजमेंट चार्जेस कम होते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो आपको क्या लगता है पांडे जी, अब ये जो एक कंपनी ने ये प्लान लाया है तो डेफिनेटली दूसरी कंपनियां भी पीछे नहीं रहने वाली है, और अगर ऐसा हो जाता है सारी ही यूलिप जो है वो म्यूचुअल फंड के जैसा बिहेव करना शुरू करती है तो आपको क्या लगता है कि इसका इंपैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे क्या होगा? अगर सब लाएं और उनके जो अभिकर्ता हैं, उनके जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं, वो बाई चॉइस और बाई फोर्स इसको एक्सेप्ट करें, बिल्कुल चेंज आएगा, बाकी कंपनियां भी लाएंगी। यहां मैं आपको एक और चीज ऐड कर दूं, इसी मतलब रिलेटेड है कि पहले IRDAI ये डिक्टेट करता था कि किस प्लान में किस तरह का कमीशन स्ट्रक्चर होगा, ये उनका डिक्टेट था। ये अलग बात है कि उससे भी ज्यादा कंपनियां देती थी, उसके लिए GST वगैरह में केस चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। पिछले मेरे ख्याल से 1 साल पहले IRDA ने भी अपने यहाँ चेंजेस किए और उन्होंने ये जो कमीशन स्ट्रक्चर बताने वाली बात थी उसको उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम अलग अलग चीजों को नहीं देखेंगे, हम आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसको देखेंगे, आप अपनी CEO की सैलरी 10 करोड़ से घटा के 1 करोड़ कर दो और अपने अभिकर्ताओं का कमीशन 10 से बढ़ाकर 30 कर दो, मुझे इसे कुछ लेना देना नहीं है, हम ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। और इसको कहा गया एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट रेगुलेशन, यानी अब IRDA ने फ्री हैंड दे रखा है इंश्योरेंस कंपनियों को
कि आपको जो कमीशन देना है दीजिए, हम उसमें आरए नहीं आएंगे। और वो इसी का नतीजा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने इस तरह का एक्सपेरिमेंटेशन करने की कोशिश की है, क्योंकि अब उनके हाथ में है। दूसरी कंपनी इससे भी बेहतर कुछ ला सकती है, कोई मना करने वाला नहीं। सो दिस इज इंडीड ए वेरी गुड स्टेप, इनोवेटिव स्टेप इन चेंजिंग द कमीशन स्ट्रक्चर पे आउट, और ये बहुत अच्छा है। अगर ये हो जाएगा तो सबके लिए अच्छा। मैं इसलिए कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा हड़कंप आ सकता है। पांडे जी, आप जो ये जो न्यूज लेके आए हैं, इसको सुनने के बाद मेरे दिमाग में इसीलिए ये आ रहा है कि बहुत बड़ा हड़कंप हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में काम करने वाले अभिकर्ता जो है करीबन ज्यादा से ज्यादा लाख दो लाख होंगे, लेकिन इंश्योरेंस में काम करने वाले अभिकर्ता तो 20 लाख से भी ज्यादा है। तो कितनी बड़ी क्रांति कितनी जल्दी आ सकती है, ये इसको देख के समझ में आता है। नहीं, आ सकती है, और इसमें अब जरूरत पड़ेगी कि अगर इस तरह का और भी पॉलिसी, हर इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए। और कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी और लॉन्ग रन, ये तीन चीजें, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या चाहे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए। वो छोटा मोटा मूवमेंट दे करके पॉलिसी सरेंडर कर दो या म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर जाओ, दैट अप्रोच शुड नॉट बी देयर। और अभिकर्ताओं को कोई भी हो उनको, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये चीजें होती हैं। अभिकर्ताओं से भी ये सजेशन मिलता है कि अब निकल जाइए, मार्केट गिरने वाला है, यूली पॉलिसी सरेंडर कर दीजिएगा। आपका 5 साल बाद यूली पॉलिसी सरेंडर करने में कोई लॉस नहीं होता है, जो रूल है। इंडोमेंट में अभी भी लॉस होगा, लेकिन यूली में कोई लॉस नहीं होता है। ये हकीकत है कि अभिकर्ता लोग बोलते हैं सरेंडर कर दीजिए, मार्केट अच्छा है, दूसरी पॉलिसी ले लीजिए। तो ये बंद होनी चाहिए, मेरा भी मानना है। और शायद ये जो तरीका है, ये जो कमीशन स्ट्रक्चर का जो इनोवेशन है, ये शायद लॉन्ग रन के लिए अच्छा हो। मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई ने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये उनका क्रांतिकारी स्टेप होगा। और पांडे जी, इस क्रांतिकारी मूवमेंट में मैं हमारे दर्शकों को, इंश्योरेंस एडवाइजर, म्यूचुअल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आपके मन में क्या है, आपके क्या विचार है, ये जो हमने वीडियो बनाया है इस पे जो इतनी चर्चा हुई है, आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। और मुझे ऐसा लगता है पांडे जी, ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचने वाला है और बहुत सारे कमेंट्स हमें मिलने वाले हैं। होप सो। तो आपके वीडियो बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट पे बात भी करते हैं। यहाँ कोई ज्ञान देने वाली कोई बेकार की बात नहीं, मोटिवेशनल स्पीक नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर है। और अगर लोग देखें और इसको समझें, और मैं तो चाहूंगा कि मेरा भी यही पर्पस है कि कस्टमर का भला होना चाहिए, साथ में एडवाइजर का भी भला होना चाहिए। आखिर कोई भी एडवाइजर जुड़ा है इसीलिए उसके आमदनी बढ़े, उसके फैमिली अच्छा करे, सबका भला होने का ये तरीका है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि कमीशन धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले मोटा नहीं मिलने वाला। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप चुन चुन के लेके आते, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। बीआईटीवी के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि BITV फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एडवाइजर कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।